खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की राजधानी दिल्ली ठंड में कांप रही है। देश भर में शीतलहर है, लेकिन दिल्ली में तो रोज ही रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सिंगल डिजिट में आ चुका है टेम्परेचर, पहले 2.4 डिग्री और अब 1.9 डिग्री तक पहुंच चुका है दिल्ली में न्यूनतम तापमान। रोज गिरते पारे से सारे रिकॉर्ड भी धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 120 सालों में यह दूसरा दिसंबर है जब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस हालत में लोग इस कड़ाके की ठंड में घरों से बाहर निकल रहे हैं। हर रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 27 दिसंबर से लेकर 26, 25, 24 और आज यानी के पारा 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। बीते 5 दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सिंगल डिजिट आज सुबह 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दिल्ली के सफदरजंग में, लेकिन ताजा खबर आ रही है कि दिल्ली के आयनगर इलाके में 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, यानी बस जीरो से थोड़ा ही ज्यादा है। दिल्ली में ठंड लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और ठंड की ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पारा 2.4 से अब 1.9 तक आ पहुंचा है। ठंड का ये जो मौसम है उसमें एहतियात भी बहुत जरूरी है। आपकी थोड़ी सी सावधानी, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और इस कड़कड़ाती ठंड में आप आनंद भी उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए डॉक्टर ऋतु को और ठंड से सावधान रहिए। अपने और अपने बच्चों की परवरिश बहुत ध्यान से करें। इस सर्दी में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इनर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी हीट को प्रिजर्व रखता है। कानों को ढकने के लिए हम टोपी या मफलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के लिए ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं रात में या सुबह सड़कों पे निकलते हैं उनके लिए ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों के लिए हमें गर्म मोजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल हम नहाने के लिए करते हैं, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो क्योंकि हमारे शरीर से नमी चुरा लेता है। और शरीर के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हमें या तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए या सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पदार्थों में गर्म पानी, हल्दी डालकर, दूध या फिर कॉफी और चाय का हम सेवन कर सकते हैं जो कि हमें फायदा देते हैं। गुड़ की पट्टी, गाजर का हलवा, मूंगफली इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए हम इन पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम 5 से 10 मिनट जो भी आपको आता है उसको जरूर करिए। एक्सरसाइज, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, ये सारी चीजें हमें गर्मी प्रदान करती हैं और हमारी बॉडी हीट को कंजर्व रखने में हमें मदद करती हैं। तो इस मौसम को खुशनुमा बनाइए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ब्लोअर या हीटर पूरी रात जलाते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी केवल थोड़ी देर के लिए ब्लोअर या हीटर का इस्तेमाल करें ताकि हमारे कमरे का टेम्परेचर ठीक हो जाए। पूरी रात ना चलाएं वरना वो हमारे कमरे की ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देता है और हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो अगर अच्छे से हम शरीर को ढककर रखेंगे, गर्म पदार्थों का सेवन करेंगे तो सर्दी हमारे लिए खुशनुमा हो जाएगी और हम अच्छे से हंसते खेलते सर्दी को एंजॉय कर पाएंगे।